पुलिस वालों का गाली गलौज मारपीट करते हुए वीडियो हुआ वायरल, पुलिस विभाग हुआ शर्मसार। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के जनपद भोजपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर माफी रसूलपुर में बुजुर्ग के घर में घुसी पुलिस। बुजुर्ग पीड़ित ने जताया घर में घुसने का विरोध तो पुलिस ने बुजुर्ग को बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया, गंदी गंदी गालियां दी। पीड़ित के फोन से बनी वीडियो पुलिसकर्मी की गाली देते व पीड़ित के साथ मारपीट करते वीडियो हुई सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ने अश्विनी कुमार चौकी इंचार्ज व गौस खां सिपाही के खिलाफ सीएम को पोर्टल पर व मुरादाबाद एसएसपी को शिकायती पत्र देकर लगाई मदद की गुहार। आपका? मेरा नाम फिरोजा खातून है। फिरोजा खातून जी, यहाँ एक वीडियो वायरल हो रही है आपके मकान की, क्या पूरा मामला है? कौन पुलिसकर्मी थे, क्या कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं, वो ऊपर आया था, ऊपर आके वो हमें गाली गुप्ता दिया था, उन्होंने डंडा मार उठाया था और हमने कह रहे थे इनकी क्या गलती है, जाके मुल्ला जी को पकड़ लिया था, उन पर मार फैला था। हाँ, उनसे और गाली है, बोल रहे हैं कब हैंगलों ने नीचे हुआ और क्या कहना है, वो बोले कि तो ऊपर तुम क्यों चले, और लेडीज है, लेडीज के मारे उसे मारपीट करके गाड़ी पर बैठा के ले गए वो। हम तो कह रहे हैं हमने मनी क्यों ले जा रहे हो, तो कह रहे वहीं खड़े रहे, डंडा उठाया उन्होंने हम पे। आपको मारने के लिए जी क्या चाहते हैं पुलिस कर्मियों? अब हम ये चाहते हैं क्या कहना है, कर्राबाजी होनी चाहिए, सरकारी नौकरी है मगर तरीका से चलनी चाहिए औरत पे। बार बार आता आपको तंग करता हूं। बार बार वो तो रोज ही आते हैं, वो आने में क्या बात है? क्या फार्म चल लिया, क्या चल लिया समझिए, हमें क्या पता फार्म चल लिया ना चल लिया। क्या चाहती हो उस पुलिस कर्मी के खिलाफ? उसे खिलाफ है, सबसे खिलाफ है, सब पब्लिक से खिलाफ है, वो जिसके पास उस पर हाथ छूती है वो, और दिन पलोटिन वालों को भी मारा हो, मार के आने मुल्ला जी को मारा उन्होंने, फिर हम पर कार्रवाई करी है उन्होंने। पकड़ के लेके गए जी। पैसे मांगते हैं आपसे? पैसे मांगते हैं क्या मुल्ला जी से? ना, मुझे क्या नहीं पता है पैसे मांगते हैं ना मांगते हैं, वो तो उन्हें पता होंगे इस बात को। आपके घर पर आने को उन्होंने चढ़ाई की लाके इनमें से मांगी जी। पुलिस कर्मी जी कहाँ है वो? पुलिस कर्मी कौन से थाने में है? वो भोजपुर थाने में। डेली आते हैं? डेली आते हैं, कल भी आए थे वो इसी तरीके से। हाँ जी। क्या नाम है? अली अहमद। अली अहमद भाई, एक आपकी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है और दरोगा आपको बदी बदी गालियाँ दे रहे हैं, कौन दरोगा है और कहाँ तैनात है और क्या पूरा मामला है बताएंगे? जी हाँ, वो अश्विनी कुमार शर्मा दरोगा जी हैं, थाना भोजपुर सिरसमत राय की चौकी के इंचार्ज। अच्छा। वो डट के आज भी कई बार गाड़ी आई है, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कहाँ है ये, कहाँ है, गालियाँ वक्त आते हैं, गाली वक्त के फिर चले जाते हैं। अब मैंने इसकी शिकायत एसएसपी साहब को दी है और सीएम योगी साहब के वहाँ भी भेजी है, उसकी वो भी स्लिप भी मिला हुई है मुझे। जो आपको गालियाँ दी है, क्या था पूरा मामला जब आपको ले आया गया था गाड़ी में बैठा दिया, वीडियो वायरल हुई है, उसके बारे में बताइए। उसका मामला ये था, मैं गेट के बाहर, एक मेहमान थे हमारे, उन मेहमानों से बात कर रहा था और वो आए डायरेक्ट, किसी ने उन्हें जो है सूचना दी गलत सलत, आन के डायरेक्ट घर में उचड़े। घर में चढ़ने के बाद मैं वो मैंने ये कह दिया, सर घर में क्यों चढ़ लो, क्या वजह? घर में ऊपर फैमिली रह रही है, तो फैमिली को ऊपर जाकर गाली बक के और लठ उठ तान के उन पर बहुत गंदी गंदी गाली बक के, उसके बाद एकदम नीचे उतरिए, और नीचे उतर के आन के मेरा गिरेबान पकड़ के और जी मारपीट शुरू कर दी उन्होंने। तो वहाँ तक आपको गालियाँ देते हुए लेके गए थे? वहाँ से वहाँ ही लठियों को हल्ले मारे पहले तो, फिर मेरा मोबाइल छीन के पैरों से कुचला है वहीं पे, और मोबाइल में ऑटोमेटिक उसमें वीडियो बन रही थी। हाँ, हमें तमीज बना था, वीडियो बननी है ना बननी है, पैर उन्होंने पैरों से कुचला मोबाइल, तो वो भी आ रही है, और जो गाली बकते हुए गए गाड़ी में वो भी आ रही है सारी। फिर मुझे गाड़ी में बिठाल के और थाने ले गए, थाने में ले जाते रास्ते में उतार के, और फिर मुझ पर दोनों ने, गौस खान पुलिस वाला और अश्विनी शर्मा जी दरोगा जी जो हैं, अश्विनी दरोगा जी, इन्होंने उतार के मुझे ताजपुर से आगे जाके रेलवे क्रॉसिंग के पास वहाँ पे मुझ पर लट फेरा इन्होंने सह करके, कोनी फ्रैक्चर कर दी। क्या कार्रवाई कराना चाहते हैं उनके खिलाफ? ऐसे पुलिस कर्मियों को सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी सजा मिले और यहाँ से तुरंत से पहले हटा दिया जाए। आज दरोगा जी आपको पूछ रहे थे, बताया जा रहा है, दो बार आए तो क्या गिरफ्तार मेरे में ये नहीं मालूम, कोई वो कह रहे हैं मैं इस पे ऐसे केस लगाऊंगा झूठे सच्चे जो कि याद करेगा, धमकी दे रहे हैं। अभी कोई एक्शन हुआ है? जी अभी कोई एक्शन नहीं हुआ, मैं लिखित रूप में कल पेश भी हुआ हूँ उनके पास में, और लिखित रूप में शिकायत पत्र भी देकर आया हूँ, और भी दो जगह और भी दिए मैंने फैक्स करें।
क्या चाहते हैं, उससे सस्पेंड किया जाए, हटाया जाए? जी हाँ, फौरन से पहले, वरना मैं इससे और आगे फिर हाजिर हूँगा कहीं भी होना पड़े, क्योंकि मैं अपनी, मुझे अपनी खतरे में लग रही है ना। आज भी मेरे गेट पर खड़े होकर ट्याँ ट्याँ हॉर्न बजा के बहुत देर लो, और गया मुझे फोन आया, मैं तो ना था वहाँ पे, लेकिन एकदम मुझे पता लगा खतरा बना हुआ है। जी खतरा बना हुआ है, मुझे बहुत डरा हुआ हूँ मैं।